तो हे गाइस, राखी क्वीन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा दिल से। और आज हम बात करने वाले हैं आरती और उसका पति के बारे में, मोनू। मोनू को थोड़ा सा भी शर्म नहीं हो रहा है गाइस। अभी भी वो अपने भाई के ही बदौलत जी रहा है यूट्यूब पे। अभी भी जो इंसान नहीं है अभी भी उसी के नाम पे पैसे कमा रहा, अभी उस छाप रहा, सब्सक्राइबर सब कुछ करा रहा है। इसको थोड़ा सा भी नहीं होता है, मतलब कि अब तो अपने भाई को खून चूसना कम कर दूँ मैं? अभी भी तो होना चाहिए। अभी भी इंट्रोड्यूस में ही कहता है वो राखी, वो क्या कहते हैं, आरती और छोटू के वीडियो में स्वागत। अरे छोटू का तो नामो निशान नहीं है इसमें। छोटू थोड़ी देखने आ रहा है कि तुम सब कमा रहे हो, उसके वायरल हो रहे हो। हाँ, छोटू तो नहीं देख रहा, फिर भी तुम सब उसके नाम पे ही वो कर रहे हो। तो गाइस, उसका वीडियो क्लिप आया है जवाब में कि आरती को टॉर्चर करता है कि नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो देखिए और हम भी देख रहे हैं, फिर कमेंट करना। आरती जी, क्या सच में हम टॉर्चर करके वीडियो बनाते हैं या फोन नहीं देते हैं? कुछ तो का वीडियो उठा उठा के डालते हैं और झूठा खिलाफ करते हैं। अपना बना के पहले अपना, अभी इसको बोला होगा कि तुम जोर से बोलना वीडियो में, ऐसे मत बोलना कि हेलो गाइस फलाना ढिमका। तुमको बोलना पड़ेगा जोर से, ये भी बोला होगा ना, कैसे यकीन कर ले? अपना सब चीज बना के और फिर पीछे सवार कर रहा है, वही बात रिपीट कर रहा है जो ये मोनू रिपीट बोल रहा है, वही बात आरती रिपीट कर रही है। तो इसमें बदलाव तो कुछ दिख ही नहीं रहा उसके बोलने पे। अच्छे होंगे हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, आरती छोटू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोगों को आज ये बताना चाहते हैं कि बताना क्या चाहोगे, निठल्लागिरी करो और यूट्यूब पे उस अपने भाई के ही नाम से व्यूज बटोरो, और तो क्या ही कर सकते हो। सिर्फ आरती को कह कह करके मतलब व्यूज पाते हैं मन्नू, हर एक बातों में यही बातें बोलते हैं सब। तो दोस्तों, आज आरती जी से जानते हैं। जानोगे नहीं, उसको पहले ही मारपीट के साइड में बैठा दिया होगा, बोला होगा जो मैं पूछने आऊंगा कैमरा लेके, तो तू वही बोलना लाइव। अभी जानते हैं आरती जी से, आरती जी क्या सच में हम टॉर्चर करके वीडियो बनाते हैं या फोन नहीं देते हैं? कुछ इनसे इतना हो रहता है ना, शादी के इतने दिन हो गए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर है, एक फोन खरीद के तो तू दे ही देता। हस्बैंड लोग वैसे ही गिफ्ट करते हैं वाइफ को फोन, और तूने एक फोन नहीं इसको दे रखा है। यहाँ तक कि इसकी पूरी कमाई जो है ना इसके ही बदौलत है, इसको ही फोन नहीं दे रखा है। फोन नहीं है इनके पास तो चलता, लेकिन दोस्तों अभी ये मेरा वाइफ है, ठीक है, वाइफ नहीं है, तेरा कमाने का जरिया है। इसका नंबर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं? कोई भी आदमी ऐसा है दुनिया में कि अपने वाइफ का नंबर सबको दे? आप लोग, अरे नंबर सबको नहीं दे तो एक पर्सनल इंटरनेट का जमाना है आजकल, हर कोई रखता है, एक दो साल का बच्चा भी फोन रखता है अपने हाथ में। जरूरी नहीं है वो फोन करे या फिर किसी से बात ही करने को फोन रखे, पर्सनल भी फोन होता है एक। एनी टाइम इससे काम ही कराते हैं गाइस, समझ सकते हो आप लोग। कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खाना, मतलब कि कितनी भुखमरी इन सबको हो रहा है, खाली काम ही कराती रहती है आरती से। बताओ कि मन्नू जो है कैमरामैन अच्छा काम मिल गया है, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोग को अच्छा काम नहीं मिला, आप लोग तब वो लोग जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कौन सा मेहनत कर रहे हैं? ये भी जैसे हम YouTube पर अभी कर रहे हैं वो भी कुछ भी मेहनत नहीं दिख रहा है, अपने भाई के नाम पे व्यूज बटोर रहे हो, बस इतना ही रामा खटोला है। वो लोग भी वही दूसरे के खिलाफ करके व्यूज पा रहे हैं, और आरती एक मरीज सी उसका कंटेंट है डेली रूटीन का। तो दोस्तों, हम तो ये उसका नाम नहीं लेंगे, तो आप लोग देखते ही होंगे जो YouTube पर देखते हैं ना, और जो बोला है वो सही है बोला है। हाँ। जिस तरीके से दिखेगा ना पब्लिक, कोई पागल नहीं है जो तुम सबको ऐसे टिप्पणी करेगा कि ये हो, जब ही जवाब उठाया और ये बात भी आया, इतने दिन से तो नहीं था, नोटिस कर करके आ वाला उठाए। बोल रहे हैं फोन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे दोस्तों, अब ये मेरा वाइफ हो गया। अरे वाइफ हो गया तो कुछ भी कर लेगा क्या? वाइफ हो गया तो हो गया। तकलीफ है इनसे कि इनको फोन क्यों नहीं देते दोस्तों? इनको फोन दे या ना दे वो हम जानेंगे ना। तुम क्यों जानोगे बे, तुम उसका पति हो, तुम्हारा हक बनता है इतना, जब वो कर रही है ना तुम एक फोन दे सकते हो उसको, पर क्यों नहीं दे रहे हो? ताकि वो चुगली कर दे, कहीं अपने खिलाफ वीडियो बना के डाल दे, इसीलिए तुम फोन उसको दे नहीं रहे हो। दोस्तों इनका मोबाइल,
फटा फूटा है, देखते हैं। और जो बोलते हैं कि मोबाइल नहीं देते हैं, हम घर में नहीं रहते हैं दोस्तों, ये अपना मोबाइल चलाती रहती है और आए दिन तो इसकी तबीयत ही खराब होती है गाइस। इतनी तबीयत खराब होती है ना, इसको पूछो मत। तबीयत भी खराब होता है, अरे छोटू वो भूत बन के आ गया, सांप बन के आ गया, बस यही कारण तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या पता तू उसको इस तरीके से दुख दे रहा है, बेचारी अंदर अंदर घुट रही होगी, इसके कारण क्या पता तबीयत भी खराब हो जाता होगा, क्या पता डॉक्टर भी रिश्वत लेके तू डॉक्टर को भी बोल देता होगा जो इसके ऐसे करो ऐसे बीमारी बताओ। व्यूज कम हो जाते हैं तो व्यूज बढ़ाने का जरिया हो जाता है। तुम लोग ना बहुत चालूबाजी हो, जब इतना कर सकते हो ना तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, छुपा के शादी कर लिया, शादी नहीं बताया समाज के डर से। अब वही समाज कह रहा है जो शादी कर लियो तो जियो ना पे सही से, ताकि कोई गलत अथी ना बोले, कुछ बात ना बोले। गलत कोई बात क्या, अभी भी इतना मतलब सारा आता है ना, मतलब बहुत सारा। मान लीजिए जहाँ 10 आदमी रहेगा, अब कौन आदमी कैसा है ना है हम लोग को तो पता नहीं है, ना इनको पता है। अरे तो इतने बोतल भी नहीं हो तुम लोग, जो तुम लोग को कोई पता नहीं रहेगा कि कौन आदमी कैसा है, कौन जिम्मेवारी रहेगा। इसीलिए क्या इनको अकेले छोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा? क्या आप लोग अपने वाइफ को अकेले छोड़ते हैं? अरे वाइफ को क्यों नहीं अकेला छोड़ेगा, वाइफ पे भरोसा रहे ना तो वाइफ कहीं भी जा सकती है, कहीं भी कर सकती है कुछ भी। भरोसा ही नहीं है इनके रिश्ते में, तो ये तो यही सोच रहा है जो तू मेरी बैल है और मैं तेरे पीछे 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 रहते होऊंगा, बस इतना ही है। ठीक है, नाम तो नहीं ले रहे किसी का, ठीक है ना, लेकिन हाँ हम लोग ये जो आप लोग बार बार बोल रहे हो कि ये अभी अपने माँ बाप की याद में रोते हैं, दोस्तों कोई भी है इतना ही माँ बाप रहता ना तो वो तेरे से शादी करते ही नहीं, अपने माँ बाप का घर संभालती होती बचपन से। आप जब जाते हैं तो आपको कहाँ गेट लॉक रहता है? बचपन से अगर माँ बाप मतलब पोस पाल के बड़ा किया, फिलहाल अभी दूर है तो रोएगा ये तो जायज है। कोई भी है बच्चा रोएगा नहीं, तू जबरदस्ती उसको टॉर्चर करके ना परेशान कर रहा है इसीलिए रो रही है और उसकी हालत अभी मरने जैसी हो गई है। ये बोल तो छजेगा, इनको भी तो आंसू आएगा। आंसू जानते हैं कि माँ बाप के लिए आता है, ये जरूरी ना है कि नकटा ये जानेगा। इसका भाई का डेट हुआ तब तो चमक रहा, ये रील्स बना रहा, खूब कर रहा है ये, इसको तो नहीं आया आंसू, उसको बड़े माँ बाप की याद सता रही है। इतना ही माँ बाप का फिक्र रहता है ना तो ये दिन जो है ना अभी वो दिन ही नहीं रहता इसका। और अभी ये आप मियां बीवी को जो घसीट रही है तो इनसे कई ज्यादा अच्छे यूट्यूब पर कपल लोग हैं जो अपने बीवी को वीडियो बनाते, कोई आगे पीछे नहीं घूमता है। और तुम्हारे हर वीडियो में इस मोनू को ही दिखता है, हर वीडियो में अकेला तो वो दिखती ही नहीं है। मान लीजिए हम लोग अभी वीडियो बना के बोल रहे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर एक चीज। अरे तुम्हारा तो कमाने का जरिया एक आदमी का मौत है, इससे हम लोग कमाते हैं। बाकी जो है जितना भी उसको पता है कि कितना हम लोग कमाते हैं, नहीं जो नहीं आए तो क्या रियलिटी जानेंगे, क्या सच्चाई जानेंगे। और जितना भी फेसबुक पे है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे है, तो हम लोग का आईडी नहीं है दोस्तों। ये जितना भी बोल रहे हैं कि 2 लाख का भी ऐसा किए हो तो दूसरा लोग आईडी बनाएंगे और व्यू छापेंगे, ऐसे बोल रहे ऐसे करके। तो आप लोग रुपया कमाते तो हम लोग यही टूटा फूटा मोबाइल से वीडियो नहीं बनाते। हम लोग के पास चैनल सिर्फ यूट्यूब का है बस, और कोई चीज बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे ही बनाओ। तो अगर जब से हुआ था इतना अच्छी रहता तो क्या था अभी, और क्या बोल रहे कि इसका कोई राज था कि वायरल होने का रहता। अगर दोस्तों वायरल होने का राज रहता तो क्या शुरू से वो आईडी खोल के नहीं रखते? आप लोग खुद बताइए, अगर जो वायरल होने का हम लोग फिलहाल में खोल, अरे तो कमा के खाते, करियर में कुछ कर लेते, वीडियो भी बना रहे हो तो। और ये आरती इतनी पागल बेहुदा लड़की है ना, ये खुद भी वीडियो बनाती ना अकेले भी छोटू जाने के बाद में, तो भी ये लाखों सब्सक्राइबर की अभी मालकिन होती, अकेले में गाइस कमाती और अपना भविष्य बनाती है। पर इसको तो अक्ल ही नहीं है 2 पैसों की, इसके भाई से शादी करके अब उस घर में माथा फोड़ी ये कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर जब गलत नहीं हो तो गलत अफवाह फैला, उस बीच में इसको कितना सपोर्ट मिल रहा था इस आरती को, उस बीच में सबका, इसने सबका सर नीचे कर दिया है, इसने ऐसा गलत कदम उठाया जो अचानक से, वो लोग जो बार बार, नहीं तो सारे महिला इसके सपोर्ट में रहती और ये भविष्य में कुछ अच्छा करके इंडिया की सबसे बेस्ट लड़की बन के दिखा सकती थी। पर इसने तो अपना करियर चूल्हा में घुसा दिया बिल्कुल ही, तो इसके लिए क्या ही बोलना गाइस, इसके लिए जो भी बोलेगा ना वो भी खराब ही है। देखे होंगे
कि बोलते हैं बोरी उठा के कमाता था और अभी बोरी उठाता तो ऐसे। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता दोस्तों, अगर जब बोरी उठाते हैं ना हम, वहाँ का वीडियो दिखा देंगे, वीडियो डालेंगे तो देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप बोरी उठाते हैं क्या हम क्या करते थे वहाँ, बोरी उठाए कुछ भी कर रहे तो फिर भी तो काम कर रहे, अब घर में कोई नहीं बचा है, उठा घर में बोरिए उठा रहे थे कि लैटिंगे फेंक रहे कुछ भी कर। सही है, तो दोनों मियां भी फेंको लैटिंग, उसी के लायक ही हो तुम सब, यही डिजर्व करते हो। जो बोल रहे हैं YouTube से बैठे बैठे कमा रहे, सीधा हम जानते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। हम ये बात तो हमको मतलब बुरा लगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना सच्चाई दिखा रहे हैं, बहुत सच्चाई दिखा रहे हो। अरे सच्चाई दिखाते ना तो लाइव दिखाते, लाइव आते रहते, और कम से कम तुम्हारा ना 4-5 घंटे का हो जाता वीडियो, जो पूरे दिन ही चल जाता, 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे का वीडियो डाल के दिखाओ ना। सब चीज बना के और फिर पीछे से वार कर रहा है, बात लेके पीछे से वार कर रहा है, कौन सा बोल रहा है कि हम मीडिया, थोड़ा सा बर्तन धोती है तब दिखाते हो, झाड़ू लगाते हैं तब दिखाते, ये सब कोई ब्लॉक हुआ वीडियो हुआ, ये सब फालतू गिरी है जो हर महिला घर में करती है गाइस। हर महिला झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, सब काम वो करती है। अब जो थोड़ी उसका पति पीछे पीछे कैमरा लेके घूमता रहेगा वीडियो, हाँ भाई देख सकते हो आज तो ये बर्तन धो रही है, इंडिया की पहली लड़की है जो बर्तन धो रही है गाइस। 2 साल के बच्चे भी बर्तन धोते हैं, उनका भी ब्लॉग शूट करके डाल दे ऐसे ही। लोग आएंगे प्यार से मेरे घर में रहेंगे, मान लीजिए हम ही लोग कोई बात शेयर करेंगे और पीछे पीछे से फिर वार करेंगे तो हम लोग क्या करते ही हो, पीछे से व्यवहार कर ही रहे हो, 4-5 को वीडियो में देख ही रहे हैं उसकी हरकतें और उसकी आदतें हर वीडियो में। कुछ बोलो ना तुम, हाँ गाइस ठीक हूँ मैं, फलाना ढिमका, बस इतना ही रहता है आरती का, और कुछ नहीं रहता है। कभी भी हैप्पी मन से हंस के खिलखिला के बात नहीं कर सकती है वो, जैसे कि उस पर भी रोक लगा, हमेशा कोई ना कोई, अब इतना भी अगर किसी का चीज़ का रखवाली होगा ना गाइस, तो वो चीज़ खराब ही होगा, उसको दुखी होगा। हर चीज़ को टाइम होता है एक चीज़ करने का इंसान का, जो सही मात्रा में मिले तो सही है, और गलत मात्रा पर मिले तो वो खराब ही हो जाता है गाइस। वही इसके साथ हो रहा है, तो सबको लौटाए हैं। अब मान लीजिए आम कपल तो ये लग नहीं रहे गाइस, नहीं लौटाए, हाँ कुछ भी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, और आप लोग की क्या राय है कमेंट करना, और हमारी बात से अगर सहमत हो तो सही है, और नहीं तो इसके इस लड़की के लिए ना यही शब्द गाइस सही है, बेस्ट है इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।